अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो में सभी को वेलकम। तो आप लोग कैसे हैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। बाकी आज का जो गेम गया है बहुत ही एंड लेवल, तो कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। वीडियो बिल्कुल शॉर्ट होने वाले हैं क्योंकि हम लोग बीच में जो पार्ट है उनको स्किप कर देंगे जिन पे हम लोगों ने बंदे नहीं मारे। बाकी तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। ज्यादा बंदे उतरे पीछे की साइड, एक तो आई थिंक अपने पीछे शॉर्ट गन लेके पड़ा है। चलो नॉक का किल भाई यहाँ पे ले लिया है हम लोगों ने, और शॉर्ट गन वाला अभी भी इधर ही है इसको। और क्या भाई हेडशॉट लगा था, बट टेलीपोर्ट का करैक्टर था इसके पास। एक किल तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया था, बाकी हम लोग रिवाइव होके लूट वगैरह करके फिर से मिलते हैं। ओके गाइस, लूट वगैरह करके MP40 और उसके साथ प्रॉफिट लेके हम लोग दोबारा से आ चुके हैं पीक के ऊपर, क्योंकि पीक के ऊपर भाई बहुत ज्यादा बंदे मिलते हैं आजकल। जब भी आपका भाई आता है भाई पीक के ऊपर जरूर रहता है एक दो मिनट के लिए, ताकि कोई बंदा आ जाए। हर दो या तीन मिनट के बाद चक्कर लगाते हैं एक दो मिनट के लिए पीक के ऊपर, ताकि अगर कोई बंदा गलती से भी पीक के ऊपर आए तो उसका किल लिया जा सके। आपका भाई पीक के ऊपर तो भाई किसी को छोड़ने वाला होता नहीं है। अभी भी बंदों की बात करें तो यहाँ पे 40 प्लस अलाइव है और जोन भी स्टार्ट होने वाला है, तो भाई लॉबी की यही बात होती है। एक बंदा आया है, ओए भाई क्या हेडशॉट लगी है भाई। भाई लॉबी की अगर बात करें तो ग्रैंड मास्टर लॉबी की हम लोग बात कर रहे हैं, नाट के हीरोइक की या डायमंड की लॉबी। यहाँ पे रीजन के प्लेयर आए हुए हैं। एक और बंदा यहाँ पे कॉल हैकर, यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो चुका है। एक और बंदा है पत्थर की साइड। इस गेम के अंदर एक रीजन प्लेयर जो कि 70 नंबर के ऊपर बैठा है या 71 के आसपास, एंड पे आप लोगों को दिखाऊंगा भाई कौन सा बंदा था जो रीजन का है। अभी उसका नाम शो हुआ तो मुझे याद आया ये क्या है। ओके पागल M10 का यहाँ पे भाई नेट ही नहीं है। पागल M10 आई थिंक यूट्यूबर है इंडिया की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनकी भाई काफ़ी अच्छी वीडियोस, तो पता नहीं बट उनके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ ये सरजी की बात कर रहा था, सरजी अपने गेम में जो आए हैं ये रीजन के प्लेयर्स हैं। तो गाइस इस गेम के अंदर ना नेट जो है ना बहुत ज़्यादा इशू कर रहा था, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे तो मर गए थे, बट एंड जोन के अंदर हम लोगों को रिवाइव मिला है। और बंदों की बात करें तो एंड जोन में लास्ट जोन में 25 अलाइव है एक यहाँ पे सामने की साइड। चलो गया काफ़ी अच्छा हेडशॉट, इसने टीममेट को नॉक करा था बट हम लोग पीछे से आ गए थे। इसने शायद पीछे की साइड देखा नहीं कि हम लोग भी इस साइड मौजूद हैं, बट कोई ना यहाँ पे इसका किल भी मिल चुका है और टीममेट्स को भी हम लोगों ने यहाँ से जाके करा दिया था रिवाइव। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और टिकटॉक से आओ तो नीचे कमेंट करना है, अगर टिकटॉक से नहीं आए यूट्यूब से ही हो तो भी आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। बाकी अभी तक लाइक नहीं करा तो कर दो, सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल सके। यहाँ पे स्कार के पास, स्कार के साथ MP5 3 चिप है। गाइस कमेंट्री जो है ना रैंडम कर रहा था, थोड़ा सा भी सपोर्ट करनी आप लोगों ने, बाकी इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। क्योंकि स्क्रिप्ट लिख के बोलना वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक घंटा पहले स्क्रिप्ट लिखो, वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास, लेकिन कोशिश करते हैं। ओके ये बंदा दोबारा थॉमसन लेके आया था रिवाइव होके, बट इसको पता नहीं है ना। ओए भाई यहाँ पे MP5 के शॉट चेक कर रहे हो, यहाँ पे जो 3-4 किल निकाले हैं ना, क्या भाई किल्स निकाले हैं। 7 किल यहाँ पे डन है और अभी भी 10-11 बंदे अलाइव हैं। RKG और दूसरा जो बंदा टीममेट है दरिंदा, ये शॉक हो गए थे भाई आप इस नाम के साथ किस तरीके से इतनी अच्छे गेम खेल सकते हो। तो मैंने इनको बाद में बताया भाई थोड़ा सा टिकटॉक पे जाके देखो, वहाँ के लोगों को पता है। अच्छा हेडशॉट यहाँ पे स्कार 3 चिप का, बट इसके ग्लू होल तोड़ेंगे भाई। सरजी 99 अभी भी जिंदा है, यानी एंड पे इनके साथ मुकाबला अपना जरूर हो सकता है। मोस्टर ट्रक जरूर था बट अपने पास वही बात ग्लू होल नहीं थी, तो इस वजह से भाई हम लोगों ने सोचा छोड़ो भाई अभी उस साइड पे सीधा ही चलते हैं, ये फटने वाला है। ऊपर की साइड एक बंदा, ओए भाई लॉन्ग रेंज में स्कार का अच्छा हेडशॉट। GMOP होना चाहिए क्योंकि स्कार और MP40 ये बहुत अच्छी गने हैं। और पहले तो इससे अपडेट से पहले हमारे लोगों की जो फेवरेट गन थी वो XC-MATE थी, लेकिन XC-MATE को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिग्रेड करा है, उसकी एबिलिटी को तकरीबन भाई ना होने के बराबर कर दिया, वरना वो चलाते भाई। कैंपर भाई फिर भी नहीं मार पाए हम लोगों के पास, हालांकि 3 की वेस्ट थी और थोड़ी सी HP रह गई थी, इसके पास M10 था लेकिन नाकाम रहा। एक ही बंदा टोटल गाइज रह गया और वही बंदा रीजन की जिसकी मैंने बात करी थी, हमारे गेम में रीजन प्लेयर आया हुआ है तो वो ही बंदा रहता है। क्या वो बंदा 1v3 लास्ट जोन में निकालेगा या आपका भाई जाके इस बंदे को धो देगा, तो एंड तक देखना है, मिस नहीं करना। 10वां किल हम लोगों को मिल सकता है अगर हम लोग इसको मारते हैं, वैसे नॉर्मल लॉबी में हमारा 10 से 12 किल हो ही जाते हैं। अच्छा हेडशॉट 44 का, MP5 से रश करते हैं। ओए कितने हेडशॉट लगे हैं भाई इसको,
गया बॉडी स्प्रे के साथ 10वें किल पे भाई बुइया मिला है हम लोगों को। सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर कर दो, इसकी पोजीशन मैं छोड़ो शो करा देता हूं आपको। तो गैस ये रहा वो बंदा 71 नंबर के ऊपर बैठा है और 22,000 प्लस ग्रैंड मास्टर रीजन लॉबी आई हुई थी। तो हम लोगों ने बुइया कर लिया, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पे ठोक दो।